Hello viewers, this is video number 3. In this video, I am going to discuss the problems related to exercise 1.1. So in this exercise 1.1, question number 1 and 3, I have already discussed these two questions in my video first. So next question number 2, show that the relation R in a set R of a real numbers defined as R equals to AB such that A is less than equals to B. Show that this relation is neither reflexive nor symmetric and not transitive. Okay. So, first is reflexive. You have to show that this relation is neither reflexive means. Neither reflexive ka matlab hua, jo bhi aap element lenge reflexive mein, wo doesn't belong karna chahiye R ko. Okay? So, doesn't belong kaise karenge? Aapke paas ek given relation aapko diya hua hai. A is less than equals to B square. Okay? So, aapke paas relation kuch aise ban jayega because hum reflexive mein ek hi element ki baat karte hain and that element should relate to itself. Okay? So, aapko ye relation jo hai kis pe define kiya hua hai? Set of real numbers. Okay? So, if you take A is equals to 2, for example, equals to 2. So, you can say 2 is less than 2 square means 2 is less than 4. ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें सेटिस्फाइड कर रहा है, बट आपको शो करके दिखाना है कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है. उसके लिए आप क्या करोगे, आपको पता है कि व्हाट आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स इंक्लूडिंग रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. ओके, सो अगर आप, इफ यू टेक ए इक्वल्स टू 1/2, ओके, सो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके की हो जाएगी, 1/2 लेस देन 1/2 होल स्क्वायर, इट मींस 1/2 इज लेस देन 1/4, जो कि पॉसिबल नहीं है. इट मींस ये एग्जांपल आई थिंक ठीक थी आपको दिखाने के लिए कि रिफ्लेक्सिव नहीं है. सो नेक्स्ट इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक की डेफिनेशन है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी ए इज आल्सो बिलोंग्स टू आर. ओके, सो इफ यू टेक ए इज इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू 2, ओके, सो अप्लाई कीजिए आप इस रिलेशन में, तो क्या बन जाएगा, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर मींस 1 इज लेस देन 2 होल स्क्वायर मींस 1 is less than 4, बिल्कुल ठीक है. आगे और अप्लाई कीजिए, फॉर एग्जांपल आप, अब आपको लेना है कुछ बी बी ए, सो इफ यू टेक ए इक्वल्स टू 2 एंड बी इक्वल्स टू 1, तो आपके रिलेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, 2 इज लेस देन 1 स्क्वायर मींस 2 इज लेस देन 1, दिस इज नॉट पॉसिबल, सो अगेन दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. एंड फॉर ट्रांजिटिव, एंड फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज सॉरी बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर. ओके, सो स्टूडेंट्स इस केस, ये एक स्पेशल केस है, इसको बड़े ही ध्यान से समझना, बिकॉज आगे हम एक और ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपका सेम केस रहेगा. आपको शो करना है कि वो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक ए इज इक्वल्स टू 3 एंड इफ यू टेक बी इक्वल्स टू 4, सो अभी मैं बात कर रही हूँ इफ ए बी बिलोंग्स टू आर. ओके, तो आपका रिलेशन कुछ ऐसे रहेगा, इसे अप्लाई कीजिए, 3 एंड 2 स्क्वायर मींस 3 इज लेस देन 4, बिल्कुल सेटिस्फाइड है. पहले जो आप ये जो दो रिलेशंस लेते हैं, इन दो रिलेशंस को सेटिस्फाइड करके दिखाना है, ये दो रिलेशंस आपके सही होने चाहिए. देन ट्रांजिटिव को प्रूव करने के लिए आपको ए सी बिलोंग्स टू आर बताना होता है. ओके, अगर मैं बात करूँ बी सी की, अब स्टूडेंट्स आपको सी बहुत ही ध्यान से लेना पड़ेगा. सी एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो बी से तो बड़ा हो, लेकिन जब आप ट्रांजिटिव के लिए करो तो वो आपका ए से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको इसको रॉन्ग प्रूफ करना है, आपको शो करना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है. उसके लिए आप सी कुछ ऐसा नंबर ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप कुछ सी इक्वल्स टू 1.5 ले लीजिए. अगर आप 1.5 का स्क्वायर करें तो वो कुछ ऐसा होगा, इज इक्वल्स टू 2.25. ओके, सो बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इसकी डेफिनेशन होगी बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी स्क्वायर मीन्स बी है आपके पास 2, लेस देन 1.5 होल स्क्वायर मीन्स 2.25, बिल्कुल सही रिलेशन है. अब आपको प्रूफ क्या करना है कि ए सी डस नॉट बिलोंग्स टू आर. उसके लिए आपके पास रिलेशन क्या है, मान के चलिए अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, ओके, तो आपके पास जो गिवन रिलेशन है डैट इज दिस. ओके, ए एंड दिस इज रिप्लेस्ड बाय सी बिकॉज योर सेकेंड एलिमेंट इज सी हियर. ओके, सो दिस ए इज योर, ए आपका यहाँ पे 3 है और सी आपके पास यहाँ पे क्या है 1.5 का होल स्क्वायर, सो दिस इज
2.25, this is not possible. So this is the special case जब आपको show करना हो कि आपका जो relation है वो transitive नहीं है. उसके लिए आपको कुछ C एक ऐसा element लेना पड़ेगा जो B से तो बड़ा हो but C से वो बड़ा ना हो, तभी आप उसको गलत proof कर पाओगे. Okay? So students, this is question number 5, same as question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में बस इतना सा फर्क था कि वहां पे आपको बी स्क्वायर दिया था, यहाँ पे बी क्यूब है, दैट्स इट. अगेन आपको इसमें चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं. देखो जब चेक की बात आती है तो आपको इतना भी चेक करना है कि जो रिलेशन आपका रियल नंबर्स में अगर डिफाइन किया गया है तो क्या वो सभी रियल नंबर्स को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं. जैसे आपने सेम क्वेश्चन बी स्क्वायर में किया था, सेम आपको यहाँ पर भी ऐसे ही करना है. फॉर एग्जाम्पल आप अभी कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव का, यू नो दैट रिफ्लेक्सिव में आपको एक एलिमेंट लेना पड़ता है एंड दैट एलिमेंट शुड रिलेट टू इटसेल्फ, उसी को हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं. तो अगेन जैसा आपने पीछे किया था रिफ्लेक्सिव में, सेम आपको अभी भी ऐसा करना है. क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए आपका जो रिलेशन है वो कुछ ऐसे बन जाएगा ए क्यू. ओके, अगेन अगर आप ए इक्वल्स टू टू लेते हो तो ये रिलेशन तो बिल्कुल सेटिस्फाइड करेगा बट वो सभी रियल नंबर्स के लिए सेटिस्फाइड नहीं होगा. इफ यू टेक ए इक्वल्स टू 1/2 या आप ऐसा कुछ भी ले लोगे तो वो इसे सेटिस्फाइड नहीं करेगा, डज नॉट लेस देन 1/8. ओके, सो इट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव. नाउ नेक्स्ट इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इफ ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज बी इज रिलेटेड टू ए. ओके, सेम क्वेश्चन आपको बताना है कि ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है या नहीं. अगेन इफ यू टेक ए इक्वल्स टू 1 एंड इफ यू टेक बी इक्वल्स टू 2, ओके, तो आपका रिलेशन ए बी के लिए क्या होगा, आपका रिलेशन होगा ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब, मीन्स ए इज दिस एंड बी क्यूब, तो वो आपका कुछ ऐसे बन जाएगा. ये रिलेशन तो बिल्कुल सही है बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक की बात कर रहे हो. जब भी आप सिमेट्रिक की बात करो, जो आप पहला रिलेशन ले रहे हो वो आपका सेटिस्फाइड होना चाहिए हमेशा, तभी आप नेक्स्ट वाला प्रूफ कर सकते हो. ओके, सो अब आपको क्या करना है, ए इक्वल्स टू 2 एंड बी इक्वल्स टू 1, देखिए क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है आप रिलेशन को. सो ये क्या बन जाएगा, नो दिस इज नॉट सिमेट्रिक. ओके, सो मीन्स ये सेम केस है जैसे आपने अभी किया बी स्क्वायर के लिए. एंड नाउ नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव. अगेन स्टूडेंट्स, अगर आप ए इक्वल्स टू मान के चलिए आपने 3 ले लिया, ओके, एंड बी आप कोई एक ऐसा नंबर लीजिए, क्योंकि वो आपका जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया दैट इज फॉर बी स्क्वायर और दिस क्वेश्चन इज फॉर बी क्यूब, तो है तो वैसा ही बट थोड़ा सा अलग है. उसके लिए आप मान के चलिए आपने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 1.5. ओके, सो इफ यू पुट दिस वैल्यूज इन दिस रिलेशन, सो यू विल गेट 3 इज लेस देन 1.5 का क्यूब, 1.5 पावर क्यूब, एंड 1.5 क्यूब इज इक्वल्स टू 3.375, यू कैन चेक इट. सो नेक्स्ट इफ यू टेक बी इक्वल्स टू, अब आपको सी एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो रिलेशन में पुट करते टाइम बी से तो बड़ा हो बट वही कि आपका ए से छोटा हो. बिकॉज हम जब रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो आपको उन चीज़ों को भी प्रूफ करना पड़ता है, आपको सभी नंबर्स को देखना पड़ता है कि क्या सभी नंबर सेटिस्फाइड करते हैं या फिर नहीं. सो स्टूडेंट्स, अगर हम सी एक ऐसा नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 1.3, ओके, पहले हम चेक कर लेते हैं. अगर हम 1.3 का क्यूब करते हैं तो उसका आंसर कुछ ऐसा होगा कि 2.147. अब अगर हम इसे अप्लाई करते हैं बी और सी में, ओके, ये आपके पास रिलेशन है, अब बी आपका यहाँ पे है 1.5 और सी आपका है 2.147, ओके, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाइड, सॉरी ये वाला मार्क आएगा ओनली लेस देन, तो ये इससे सेटिस्फाइड, तो ये इसमें रिलेशन में तो बिल्कुल ठीक है. बट अगर हम ए ट्रांजिटिव के लिए ए सी को हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या वो हमारे रिलेशन में है कि नहीं, उसके लिए हमारे पास जो रिलेशन डिफाइन किया वो कुछ ऐसे हो जाएगा. सो ए इज इक्वल्स टू 3 एंड सी क्यूब, सी मीन्स 1.3 का होल क्यूब एंड दैट इज इक्वल्स टू 2.147 एंड दिस इज नॉट ट्रू. स्टूडेंट्स, आपको रियल नंबर के लिए स्पेशल केसेस है यहाँ पे फॉर ट्रांजिटिव के लिए कि आपको नंबर्स को पहले चेक कर लेना है कि ऐसा कौन सा नंबर है
कि जिस पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अगर तो सब पे सेटिस्फाइड हो रहा है तो इट मीन्स वो ट्रांजिटिव है, बट अगर किसी एक भी नंबर पे वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो वो ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 सेज शुड एट अ रिलेशन आर इन रियल नंबर्स डिफाइंड बाय दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको शो करना है। क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि चेक करिए, क्वेश्चन ने कहा कि शो करिए। ओके, कि करिए कि वो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है बट आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो ये बहुत ईजी है क्योंकि आपको पता है रिफ्लेक्सिव के लिए सिर्फ आपको एक एलिमेंट लेना होता है, दैट इज ए। इट मीन्स आपका रिलेशन कुछ ऐसे बन जाएगा। तो क्लियरली, सो क्लियरली ए ए बिलोंग्स टू आर। अब हमें शो करना है तो हम इसे क्लियरली कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज आपको यहाँ पे एक और साइन दिख रहा होगा दैट इज इक्वल्स टू, एंड यू नो दैट ए इज इक्वल्स टू ए। सो इसको शो करने के लिए इसका कोई और सेकेंड मेथड नहीं है, दिस इज द ओनली मेथड टू शो दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। नाउ नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। क्वेश्चन कह रहा है आपको शो करना है कि जो आपका रिलेशन है वो आपका सिमेट्रिक नहीं है। अब सिमेट्रिक नहीं है के लिए आपको सिंपल मेथड जो अभी तक बताया गया है सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर यू हैव टू प्रूव दैट बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। बट फॉर दिस क्वेश्चन आपको प्रूव करना है कि जो आपका रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो पहले सिंपल केस ले लीजिए, इफ यू टेक ए इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू 2। ओके, सो आपके पास जो रिलेशन है ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, इसमें पुट करिए 1 इज लेस देन 2, तो ये तो बिल्कुल सेटिस्फाइड है। बट अगर आप ए इक्वल्स टू 2 लेते हैं एंड बी इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो तब भी क्या ये ट्रू होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये तो सिंपल केस था कि आपने जस्ट बताना है कि सिमेट्रिक नहीं है। नाउ थर्ड इज ट्रांजिटिव। ये भी मुझे लगता है कि आप आराम से कर सकते हैं, ट्रांजिटिव बताना है तो ट्रांजिटिव तो आप आराम से बता सकते हैं इफ यू टेक ए इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू 2। ओके, सो मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर आपको लेट करना पड़ेगा, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। मीन्स आप जो ए बी सी लोगे पहले वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, देन यू हैव टू प्रूव दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। ओके, सो इफ यू टेक ए इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू 2, सो जस्ट पुट इन द गिवन रिलेशन। सो दिस इज लाइक दैट कि 1 इज लेस देन 2 एंड दिस इज ट्रू। And if you take C equals to 3, okay? So your equation like 2 is less than 3, this is also true. And if you check this, AC belongs to R. What is your A? A is your 1 and C is your 3. So this is your relations, A is less than 3, A is less than C. So students, this is clearly that 1 is less than 3. So this is true for this is true for transitive also. So this is the relation which is reflexive and transitive but not symmetric. This is a simple case. Now next question is question number 6. Show that the relation R in a set 1, 2 and 3 given by relation 1, 2 and 2, 1 is symmetric but neither reflexive and not transitive. Student, this is very simple question because आप देख सकते हैं आपके पास जो सेट है, आपके पास सेट यहाँ पे है 1, 2 एंड 3। फॉर एग्जाम्पल आप लेट कर लीजिए सेट को, लेट ए इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3। ओके, रिफ्लेक्सिव आपका रिलेशन कब होता है? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब बोलते हैं अगर कोई भी आप एक एलिमेंट लो वो अपने आप से रिलेट करना चाहिए। मीन्स अगर आप ए बिलोंग्स कर रहे हैं 1 में, या फिर यू कैन से आप अगर आप कोई एक एलिमेंट ले रहे हो ए इज इक्वल्स टू 1, देन ए शुड रिलेट टू ए इटसेल्फ। मींस 1 एंड 1, सो 1 1 इज नॉट प्रेजेंट इन योर गिवन रिलेशन, सो क्लियरली दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव बट दिस इज सिमेट्रिक। वाई दिस इज सिमेट्रिक? बट सिमेट्रिक की डेफिनेशन बोलती है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन इम्प्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। If you take A is equals to 1 and B equals to 2, it means 1 and 2. And dusre relation kya hona chahiye tha? 2, 1 also belongs to R. Aur wo to given hai aapke paas. It means this relation is symmetric. But for transitive kab hota? For example, agar aap lete A equals to 1 and B equals to 2 and C equals to 3. Transitive hone ke liye aapko relation kuch aise chahiye tha. 1, 2, 2, 3. And implies 1, 3.
जो कि आपके गिवन रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है. इट मीन्स दिस रिलेशन इज सिंपली सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए 1, 2, 3, 4 and 5 गिवन बाय द रिलेशन आर ऑर्डर्ड फॉर्म ऑर्डर्ड पेयर में आपको दिया है ए बी सच दैट मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. पहले मैं हाफ क्वेश्चन ही आपको समझाती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस रिलेशन इज दैट रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक ऑल्सो. सो आपको मॉड्यूलस, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं. मॉड्यूलस आपने पढ़ा होगा अपनी 11th क्लास में. मॉड्यूलस ऑफ माइनस थ्री इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ थ्री और यू कैन से थ्री. मॉड्यूलस अगर आप रिमूव करोगे तो मॉड्यूलस गिव्स यू अ वन माइनस. एंड इफ यू हैव द माइनस दिस ऑल्सो देन द क्वेश्चन बिकम्स माइनस माइनस एंड इज इक्वल्स टू थ्री. ओके सो दिस इज अ स्मॉल रिकॉल. सो लेट्स स्टार्ट. For example, if you have to prove that this relation is an equivalence relation. So, equivalence relation ke liye first you have to prove that the relation is reflexive. And you know that the equation is reflexive. Kab hota hai? When you take a one element and that element should relate to itself. It means aapko yahan pe ek hi element lena padega. A belongs to R. Uske liye aap kaise karoge? Aapke paas jo element hai means A belongs to R. तो स्टूडेंट दिस इज क्लियरली मॉड्यूलस में आपके पास क्या आ जाएगा बिकॉज आपके पास गिवन दिया हुआ है. ये इक्वेशन आपको गिवन दी गई है. सो ए माइनस ए एंड ए माइनस ए इज इक्वल टू वन इज इक्वल्स टू जीरो. सो जीरो इज योर इवन नंबर. इट मीन्स ये जो आपके रिलेशन है ये क्लियरली आपका रिफ्लेक्सिव है. तो हम सेकेंड बात कर रहे हैं सिमेट्रिक की. सिमेट्रिक की डेफिनेशन है इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर. आपको इम्प्लाइज करना है दैट बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. ओके सो लेट कर लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर. ओके जब ए बी आपका आर को बिलोंग्स कर रहा है तो आपको कुछ इस तरीके से रिलेशन डिफाइन किया गया हुआ है दैट मॉड्यूलस ऑफ ए बी इज इवन. एंड स्टूडेंट्स आपको प्रूफ क्या करना है कि बी ए बिलोंग्स टू आर. इसके लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा डेट मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस ए इज इवन. तो आपको पता है आप इसको बी माइनस ए के फॉर्म में लिख सकते हो. कब? अगर यहाँ से आपका माइनस बाहर आएगा तो क्या बनेगा बी माइनस ए इज इवन. और मैंने आपको अभी बताया मॉड्यूलस के अंदर जो माइनस हो वो कहाँ चला जाता है. अगर मैं लिख रही हूँ मॉड्यूलस ऑफ माइनस थ्री, अगर मैं इसको ओपन करूंगी तो क्या बनेगा माइनस माइनस ऑफ थ्री एंड दैट इज इक्वल्स टू थ्री. इट मीन्स आप इसको सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं मॉड्यूलस के अंदर का माइनस जो है वो नेक्स्ट मॉड्यूलस में नहीं आता है. इट मीन्स आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी बी माइनस ए इज इवन. दैट सिंपल सेज दैट बी ए इज बिलोंग्स टू आर. ओके सो दिस इज अ सिमेट्रिक रिफ्लेक्स सिमेट्रिक रिलेशन ऑल्सो. एंड द थर्ड इज ट्रांजिटिव. एंड द थर्ड इज ट्रांजिटिव के लिए आपको लेट करना पड़ेगा ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर. और आपको शो क्या करना है कि ए सी बिलोंग्स टू आर. तो ए बी बिलोंग्स टू आर को कैसे लिख सकते हो मॉड्यूलस ऑफ ए बी इज इवन. एंड इसे कैसे लिखोगे b माइनस सी मॉड्यूलस ऑफ b माइनस सी इज ऑल्सो इवन. एंड स्टूडेंट्स यू नो डैट एडिशन ऑफ टू पॉजिटिव या एडिशन ऑफ टू इवन नंबर इज ऑल्सो एन इवन नंबर. फॉर एग्जाम्पल टू इज एन इवन नंबर सो टू प्लस टू गिव्स यू फोर एंड फोर इज ऑल्सो एन इवन नंबर. सो आप इन दोनों को प्लस कर सकते हैं. प्लस करने के लिए सबसे पहले आप इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिख दें इज इवन एंड b माइनस सी इज ऑल्सो और यू कैन सिंपली राइट इवन. ओके and this number is even and this number is also even so the addition of two even number gives you an even number. So you can write like this also even. So plus b and minus b वाले brackets खोलिए then plus b minus b आपका cancel out हो जाएगा. So you will a minus c is even. तो आप इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं a minus c is even means a c belongs to r. very simple a b belongs to r. तो आपका proof हो गया that this is transitive also. now next question पढ़िए question complete करिए. show that all the elements of 1, 3, 5 are related to each other and all the elements of 2, 4 are related to each other but no elements of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4. इसे समझिए ध्यान से.
रिलेटेड, जब यहाँ पे वर्ड आ जाए रिलेटेड, रिलेटेड का मतलब होता है जो आपको रिलेशन डिफाइन किया गया है उसी रिलेशन की हेल्प से आपने बताना है कि ये एलिमेंट एक दूसरे को रिलेट, अपने आप को रिलेट कर रहा है कि नहीं, कैसे बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला है कि ऑल द एलिमेंट्स वो रिलेट कर रहे हैं, इन दोनों के एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं। इसे इसे आप कुछ ऐसे समझिए, अगर इन दोनों एलिमेंट्स को आप वन बाय वन अगर माइनस करें, अगर वो इवन आया, इट मीन्स जो आपको रिलेशन डिफाइन किया गया है वो बिल्कुल ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल टू माइनस वन, सॉरी यहाँ पे बात की गई थी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन थ्री फाइव आर रिलेटेड टू ईच अदर, मीन्स इन एलिमेंट को खुद से देखिए, यहाँ पे तीन एलिमेंट है। अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, उन दोनों का माइनस करिए, फॉर एग्जाम्पल आपने किया थ्री माइनस वन गिव्स यू टू, टू इज एन इवन नंबर, फाइव माइनस थ्री इज इक्वल्स टू टू, टू इज एन इवन नंबर, फाइव माइनस वन फोर, फोर इज एन इवन नंबर, ओके, ऐसे आप शो कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास एक और बोला हुआ है, सेम लाइन है यहाँ पे, दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टू फोर आर रिलेटेड टू ईच अदर, मीन्स टू फोर यहाँ पे दो एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, सो ए माइनस बी इज वट, टू माइनस फोर इज वट, माइनस टू, बट मॉड्यूलस ऑफ माइनस टू गिव्स यू मॉड्यूलस ऑफ टू, एंड टू इज योर इवन नंबर। सो नेक्स्ट पढ़िए, बट नो एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस, कोई भी ऐसा एलिमेंट इस सेट का नहीं है जो इससे रिलेट कर रहा हो। रिलेट का मतलब है अगर आप इन दोनों के एलिमेंट्स को वन बाय वन सॉल्व करोगे तो वो इवन कहीं ना कहीं नहीं आ रहा होगा। सो जस्ट चेक करिए, टू माइनस वन इज ऑड नंबर, टू माइनस थ्री इज ऑड नंबर, टू माइनस फाइव इज ऑड नंबर, सिमिलरली फोर को भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो डैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन अ सेट ए, और ए को एक सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन किया गया है, लाइक एक्स बिलोंग्स टू जेड मीन्स इंटीजर, और एक्स आपको बताया गया है जीरो से लेकर ट्वेल्व तक, मतलब लेस देन एंड इक्वल टू। तो ए को आप कुछ ऐसे राइट कर सकते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व। ओके, सो आपको बताना है जो आपके आपको यहाँ पे दो केसेस दिए, हम वन बाय वन केस को सॉल्व करते हैं। पहला केस ये है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच डैट मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ फोर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सेम केस जो अभी आपने पहले किया, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, या आज मैं अभी अभी आपको एक इसका एक और नेक्स्ट एक दूसरा केस भी है, वैसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो दूसरा काफ़ी ईजी रहेगा, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, आप पहले एक रिलेशन को कम्प्लीट डिफाइन कर लीजिए। ओके, इन्होंने बोला है a माइनस बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ फोर, इसमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स लीजिए, कुछ a और कुछ b ऐसे लीजिए जिनको अगर आप a माइनस बी करते हैं तो वो मल्टीपल होना चाहिए फोर। तो आप कुछ ऐसे कर सकते हैं, अगर हम ऐसे करते हैं जीरो एंड फोर, ओके, जीरो माइनस फोर गिव्स यू फोर एंड फोर इज अ मल्टीपल ऑफ फोर। ओके, सो नेक्स्ट अगर आप ऐसे करेंगे वन फाइव, नेक्स्ट आप करिए यहाँ पे टू सिक्स, देन थ्री सेवन, then 4, 8, then 5, 9, then 6, 6, 10, then 7, 11, then 7, 11, then 8, 12, okay? या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं 4, 0, 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5, 10, 6, एंड 12, 8। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं 0, 0, बिकॉज 0 माइनस 0 गिव्स यू 0 एंड 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 1 माइनस 1 इज ऑल्सो 0 एंड 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। सो वैसे ही 2, 2, 3, 3, 4, 4 से लेकर 11, 11 एंड लास्ट इज 12 एंड 12। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ से क्लियरली भी देख सकते हो, पहला इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए फर्स्ट यू हैव टू प्रूव दैट कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो क्लियरली दिस इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज 0, 0 रिलेशन में है, 1, 1 है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, कोई भी अगर आप एक नंबर ले लो और अगर आप उस नंबर को इस गिवन रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो आपको 0 मिलेगा एंड 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। या आप अपने या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट a माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ओके, सो इट मीन्स ये आपका रिफ्लेक्सिव है। नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सिमेट्री की। सिमेट्री की डेफिनेशन बोलती है इफ 1, 2 बिलोंग्स टू आर देन 2, 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। सो स्टूडेंट्स वो भी क्लियरली है, अगर 0, 4 आर को बिलोंग कर रहा है तो 4, 0 भी कर रहा है, 1, 5 है तो इसका भी रिवर्स है,
टू सिक्स है तो सिक्स टू भी है, वैसे आप सभी एलिमेंट्स का यहाँ पे रिवर्स देख सकते हो क्लियरली, तो ये आपका रेसिप्रोकल भी देख सकते हो, तो ये आपका क्लियरली सिमेट्रिक भी है एंड क्लियरली ये आपका ट्रांजिटिव भी है, बिकॉज अगर 0 4 है, 4 0 है तो 0 0 भी है, 1 5 और 5 1 है तो 1 1 भी है, वैसे आपके सारे एलिमेंट्स जो है वो उस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं एंड दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ओके सो योर सेकेंड पार्ट इज इफ आर इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. स्टूडेंट्स दिस इज क्लियरली एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यू कैन से ए इक्वल्स टू ए. ओके सो दिस इज क्लियरली वॉट दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड फॉर सिमेट्रिक यू हैव टू राइट लेट ए बी बिलोंग्स टू आर. ओके एंड यू हैव टू प्रूव दैट बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. सो पहले अगर आप ये लिख कर चलते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर तो उसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, ए इज इक्वल्स टू बी. अब ए बी के इक्वल हो या बी ए के इक्वल हो बात तो एक ही है, तो इट मीन्स बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. एंड थर्ड के सिमेट्रिक भी आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है कैसे कर सकते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर. ओके फॉर थर्ड केस लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड सेकेंड आप लेंगे बी सी बिलोंग्स टू आर. ओके सो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू सी. नाउ ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी, इनडायरेक्टली ए इज इक्वल्स टू सी, इट मीन्स ए सी बिलोंग्स टू योर रिलेशन एंड दिस इज ट्रांजिटिव. ओके सो नेक्स्ट आगे पढ़िए क्वेश्चन को. फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस. ओके हर एक दोनों केस की बात की है, दोनों पार्ट्स की बात की है, आपको बताना है जैसे हम पार्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी आपको भी दिया हुआ है मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसे अगर आप 1 से माइनस कर दें तो वो वापस से आपका मल्टीपल ऑफ 4 रहेगा. अगर आप लेते हैं यहाँ पे 1, ओके अगर आप कुछ लेट ऐसे करते हैं लाइक अगर आप 1 ए इज इक्वल्स टू 1 लेते हो, ठीक है आपका रिलेशन कुछ ऐसे बनेगा, ए माइनस 1 मीन्स 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इट मीन्स 1 यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहे हैं. एंड इफ यू टेक ए इज इक्वल्स टू कोई एक दूसरे नंबर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 5 लेते हो, देन आपके पास आएगा 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4 एंड 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 4. ऐसे ही 6 देखिए, 6 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, बट 9 रहेगा, 9 माइनस 1 इज 8 एंड 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 8. ओके सो ये तीन नंबर ऐसे हैं, दीज आर द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, ठीक है. एंड सेकेंड केस के लिए आपको आपको फाइंड करना है कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो रिलेट कर रहा है 1 के साथ. 1 के साथ तो स्टूडेंट्स वो खाली 1 ही है, बिकॉज ए इज इक्वल्स टू 1 मीन्स 1 इज इक्वल्स टू 1. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज, स्टूडेंट्स मैंने इसको डिकोड कर दिया हुआ है कि आपके बुक में कुछ ऐसे लिखा गया हुआ है विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव. मैंने उसे डिकोड फॉर्म में लिखा ताकि आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओ. आपको एक ऐसी एग्जाम्पल बतानी है, पहले आप एक रिलेशन लीजिए, एक सेट लीजिए और उस सेट को आपने बताना है कि कैसे आप बता सकते हैं कि वो सेट आपका सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है. ओके सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे एक सेट लेना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू लेट ए इक्वल्स टू 1 2 एंड 3. ओके अब आपको बताना क्या है, एक ऐसा रिलेशन बताइए यहाँ पे जो सिमेट्रिक होना चाहिए. स्टूडेंट सिमेट्रिक होना चाहिए, ध्यान रहे वो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, वो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए. रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब 1 1 2 2 और 3 3 हो. ओके सो आपको सिर्फ सिमेट्रिक बताना है, तो आप इसके लिए कुछ ऐसे लिखे 1 2 एंड 2 1. ओके 1 2 और 2 1 क्योंकि सिमेट्रिक की फॉर्म है बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, दैट इज सिंपल. ओके नेक्स्ट इज आपको यहाँ पे एक ऐसा रिलेशन बताना है जो ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए. तो ट्रांजिटिव के लिए आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं लाइक 1 2, लाइक ए इज इक्वल्स टू 1 बी इज इक्वल्स टू 2. एंड देन आपको मैं बता दूँ स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव की एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको पहले भी बताई थी. ट्रांजिटिव में जो आप दो ऑर्डर्ड पेयर लेते हो, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है वो आपके सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है. सो नेक्स्ट आप लीजिए 2 3
एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 3। सो ये ट्रांजिटिव है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये ट्रांजिटिव, ना ही ये सिमेट्रिक है, बिकॉज अगर 1 2 है, अगर 2 1 होता तो ये सिमेट्रिक होता। तो ये ऐसे एग्जाम्पल है जो सिर्फ ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज आपको बताना है जो रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, सो पहली बात रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में लिख लीजिए रिफ्लेक्सिव का 1 1 2 2 एंड 3 3। ओके, 1 1 2 2 एंड 3 3। अब सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 2 1 और 2 3 एंड 3 2। अब स्टूडेंट्स आपने एक ऐसा रिलेशन लेना है जो रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, बट ध्यान रहे वो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अगर आप ये देखोगे, इस रिलेशन को देखोगे, ठीक है, इस सेट को अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये आ गया रिफ्लेक्सिव। ओके, 1 1 2 है, 2 1 है सिमेट्रिक, 2 3 है, 3 2 है सिमेट्रिक। बट आप ये देखिए, अगर हम इन दोनों को लेते हैं 1 2 2 1 ट्रांजिटिव के लिए, तो 1 1 यस 1 1 है। अगर आप लेते हो 2 3 3 2 तो क्या बनेगा, 2 2 यस 2 2 भी है, लेकिन आपको 3 3 नहीं मिल रहा, इट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। और यू कैन से लाइक दिस ऑल्सो, अगर आप इन दोनों रिलेशन को देखो, ऑर्डर का सेकंड एलिमेंट कुछ ऐसा लो जो किसी दूसरे एलिमेंट का, दिस किसी दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन दोनों को देखते हो, सो दिस इज 1 2 एंड दिस इज 2 3, 1 2 एंड 2 3, तो इसका रिजल्ट क्या आता है ट्रांजिटिव के लिए, 1 3, तो 1 3 इज नॉट प्रेजेंट, तो इट मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं है। सो लेट्स नेक्स्ट, आपका ऐसा रिलेशन लेना है जो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। स्टूडेंट्स मैं आपको एक हिंट बता दूँ, जब भी वो आपको बात करे ट्रांजिटिव के लिए, ये इसे याद रखिए, ट्रांजिटिव जब भी बोला जाए तो आप सबसे इजी, सबसे आसान है, आप इस सेट को लिख लीजिए, इस ऑर्डर्ड पेयर को आप लिख लीजिए। अब ऐसे बोला गया हुआ है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो आपको पता है क्या होगा, 1 1 है, 2 2 है और आपके पास 3 3 है, तो ट्रांजिटिव क्या होगा, जैसे मैंने आपको भी बताया 1 2 लिख लो, 1 2 3 लिख लीजिए, 1 और 3, दैट्स इट। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये इसमें से कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सिमेट्रिक हो। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, इट मीन्स 1 1 2 2 और 3 3 नहीं होना चाहिए, बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए आप ऐसे कर सकते हैं लाइक 1 2 एंड 2 1, ये हो गया आपका सिमेट्रिक के लिए। एंड ट्रांजिटिव के लिए अगर आप ऐसे कर दें सिंपली डैट 1 1, तो ये आपका सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपने दो एलिमेंट्स की बात की है। रिफ्लेक्सिव तब होता अगर यहाँ पे 2 2 भी होता। ओके, सो योर क्वेश्चन नंबर 12 इज शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगलर्स इज आर इक्वल्स टू T1 एंड T2, एंड T1 इज सिमिलर टू T2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो अगेन इक्विवेलेंस रिलेशन है स्टूडेंट्स, ये बहुत ईजी, आप मुझे लगता है आप खुद भी कर सकते हो। तो एक नॉर्मल से आपको हिंट दे देती हूँ, जैसे लाइक आपको रिफ्लेक्सिव बताना है। ओके, रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या लेंगे, एक ही एलिमेंट लेंगे, फॉर एग्जाम्पल T1। सो T1 और T1 आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस एवरी ट्राइंगुलर इज सिमिलर टू इटसेल्फ। और फर्दर वी कैन से डैट फॉर सिमेट्रिक, फर्दर इफ T1 एंड T2 बिलोंग्स टू आर, देन वी कैन से T1 इज सिमिलर टू T2। इफ T1 इज सिमिलर टू T2 इज इनडायरेक्टली मीन्स डैट T2 इज सिमिलर टू T1, मीन्स T2 T1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। एंड फॉर ट्रांजिटिव लेट T1 T2 बिलोंग्स टू आर एंड T2 T3 बिलोंग्स टू आर। सो फॉर दिस T1 इज सिमिलर टू T2 एंड फॉर दिस T2 इज सिमिलर टू T3। When T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3 is indirectly means that T1 is similar to T3. So you can write T1 and T2, T1 and T3 is also belongs to R. So this relation is a equivalence relation. Now the second part of this question says, consider that the three right angle triangles T1 with side
3, 4, 5, T2 with sides, 5, 12 and 13, and T3 with sides, 6, 8 and 10. Which triangle among T1, T2, T3 are related? Okay, so you just have to find out which the triangles are related. Okay, so you have to observe that which corresponding sides of triangle are in the same ratio. So there are three right triangle angles. So T1 with 3, 4 and 5, T2 right triangle with you can write say 6, 8 and 10, and T3 triangle with number 5, 12 and 13. So students, you can easily observe that 3 upon 6, 8 upon 3 upon 6, okay, so 3 upon 6, and then 4 upon 8, and then 4 upon 8, and this 5 upon 10, and this 5 upon 10. These all equals to 1 upon 2, means the corresponding sides of triangle T1 and T3, T1 and T3, this is T3, students, one second, this is T3, this is T2, okay? So the corresponding sides of triangular T1 and T3 are in the same ratio. So the triangle T1 is similar to triangular T3. So that is all about this question. Okay, students, thank you.